तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डोन 3 के बारे में। डोन 3 का 2 मिनट लंबा टैग लगा है उसमें, ग्लिम्स टीजर जो भी है आ चुका है, क्योंकि अब इतनी अलग अलग चीज़ें हो चुकी हैं कि क्या बोलूं। सबसे पहले बात कर लेते डोन के बारे में। डोन जो फ्रेंचाइज है, किसका तीसरा पार्ट होने वाला है, उसका पहला पार्ट 2006 में आया था जब मैं 4 साल का था। फिर उसका अगला पार्ट 2012 में आया, जिसको लगभग आए हुए 12 साल होने वाले हैं। और मैं कहूँ कि इतने समय बाद आ रहा है तो मैं एक्साइटेड तो हो जाएंगे लोग। फिर उसके बाद अगर बात करें तो डॉन 1 और डॉन 2 की अगर स्टोरी देखेंगे, उसमें है ना एक बेसिक स्टोरी चल रही होती है और एक एंड में ट्विस्ट आता है फेंक के, जिससे स्टोरी पूरी बदल जाती है। तो ये तो वैसे हो गई। उसका जो एक्शन है वो एकदम यूनिक एक्शन है उसका, कहता मतलब इंडियन मूवीज में जनरली जो एक्शन होता है उतना अलग नहीं होता, पर डॉन में हमेशा एकदम अलग टाइप का एक्शन देखने मिलता है, जिसको मैं कहूँगा इसका मज़ा आता है पर्सनली, क्योंकि जिसको एक थोड़ी हॉलीवुड और वाइब आ जाती है तो अपना काम हो जाता है। अब बात कर लेते इसमें चेंज के बारे में, किस बार डॉन 3 में ना चेंज होने वाला है। इस बार डॉन 3 में शाहरुख खान की जगह होने वाले हैं रणवीर सिंह। देखो ये सुन के लोगों ने कहा, देखो ये ज़रूरी नहीं है कि डॉन कौन है, ये ज़रूरी है कि डॉन प्ले कौन कर रहा है, क्योंकि देखिए लॉन्डे कैसे भी हो, जैसे कि कालीन भैया ने कहा था, वो जरूरी नहीं है कि वो लौंडा है, जरूरी है कि वो हमारा लौंडा है। ये क्या बात करता है यार। खैर हम लोग को इस बात को हम लोग बिना बायकॉट हुए आगे बढ़ते हुए हैं। और फिर बात कर लेते हैं इसके डायलॉग के बारे में। हम लोग को लगभग 2 मिनट के आसपास का दिखाया है, जिसमें हम लोग को सिर्फ एक डायलॉग एक ग्लिम्स देखने मिली रणवीर सिंह की। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका जो डायलॉग था, सीन वह जो सो रहा है, जिसको देख के लोग कहें कि कब आएगा, और वो जो जाग चुका है अब उसे मौत से खेलने की आदत है। मौत से खेलने की तो आदत है ही, जब ऐसा आपका खतरनाक वाला टाइम चल रहा है तो आप एकदम एक सीरीज में एकदम शाहरुख खान को रिलीज करके तीसरे बंदे को नया चेंज कर रहे हैं, तो मौत से तो आप खेल ही रहे हैं। देखिए मौत से खेलना तो दिल्ली में लॉन्डो को खैर इस बात को हम लोग यहीं पर इग्नोर करते हैं और बात कर लेते हैं इसके आगे वाली चीज़ों के बारे में। जैसे डॉन 3 में हम लोग को एक डायलॉग के 11 मिनटों की फुटेज जोड़ रखी, जो डॉन का फेमस डायलॉग था। इस मूवी का जो टाइटल है, जो ऐसा सुनने में आ रहा है, डॉन 3 का टाइटल होगा 11 मुल्कों की पुलिस। ओके, आप पूरी मूवी का नाम ही बता, नाम के साथ टाइटल बता रहा है, या फिर एक दूसरी लाइन और जोड़ दीजिए, इतना लंबा टाइटल हो जाएगा कि लोग कह देंगे वाह पूरी स्टोरी बता दी आपने। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है ना, बड़ा टाइटल सिर्फ डालते हैं ताकि लोग है ना एटलीस्ट टाइटल में जो है वो मूवी में भी हो, कि जिस तरह से आजकल जो काम चल रहा है जो है फरान वगैरह का, और जो काम चल रहा है साजिद नारायण वाला साजिद का, तो उसके सामने है ना डॉन की जो फ्रेंचाइज है वो थोड़ी सी ऐसा लग रहा थी कुछ उम्मीद कम है, पर ये टीजर आया था जिसके कहूँगा ओके देख सकते हैं, मज़ा आएगा अपने को। मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ रणवीर सिंह को ऐसे डॉन देखने के लिए। मैं कहूँ कि ओके इतना बुरा भी नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा कितना बुरा हो सकता है, ये तो टट्टी है। इसी बात को हम लोग यहाँ पे इग्नोर करते हुए, जब तक कि अगर आप बताइए कमेंट सेक्शन में कितना एक्साइटेड है, मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। जब तक के लिए छुट्टी नेक्स्ट टाइम।